नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन, जिसको सूर्य का उत्तरायण भी कहा जाता है, कि सूर्य जो है वो मकर राशि में जब प्रवेश कर जाता है और मकर से लेकर के मिथुन तक की जो उसकी मूवमेंट होती है उसको सूर्य का उत्तरायण भाग कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोचर होने वाला है सूर्य का, जो मकर राशि में शनि की राशि में जाने वाला है, जाने से स्टार्ट होगा। और 14 तारीख को संक्रांत जिसको कहा जाता है, माघ की संक्रांति या मकर संक्रांति जिसको कहा जाता है, लोहड़ी का पर्व इस दिन मनाया जाता है। तो शनि जो है, शनि के घर में जो है सूर्य महाराज यहाँ पे प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी शत्रु की राशि है। परंतु अगर हम देखें सूर्य को, काल पुरुष कुंडली हम बनाए उसमें हम सूर्य का अगर देखें कि जिस हाउस में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है तो वो आपका मकर राशि है या दशम स्थान है। और वहीं पर सूर्य एक तरह से आप समझ लीजिए, जब शनि के घर में आया है, शनि जिसको अंधकार का कारक माना जाता है, आलस्य का कारक माना जाता है, तो हम यूँ समझ सकते हैं कि सूर्य यहाँ जो शनि रूपी एक वृद्ध व्यक्ति है उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, उसको उठाने के लिए यहाँ पर कोशिश करेगा, उसका आलस्य यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको स्नान करने के लिए कहेगा कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। इस तरह की बात सूर्य यहाँ पर शनि घर में जाकर कहने वाला है। और वहीं जब हम देखते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार या सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो है वो नदियों में जा कर के नहाने का एक महात्म्य बताया है। जो है वो हरिद्वार में, ऋषिकेश में जो है वो मकर संक्रांति या माघ मास में जो स्नान किया जाता है उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। और इस दिन जो है आप देखिएगा, खास तौर पर रेवड़ी हो गया, जिसमें आपका तिल और गुड़ से जो बनी होती है उस चीज़ों का जो है वो सेवन किया जाता है इस महीने, क्योंकि जो तिल है वो शनि का कारक है और गुड़ जो है वो सूर्य का कारक है। तो यहाँ सूर्य और शनि का जो मिलन है उसके रूप में भी हम जो है वो गुड़ का और जो आपकी रेवड़ियाँ होती हैं उसका सेवन करते हैं। और वहीं पर जो मकर संक्रांति या लोहड़ी वाले दिन जो है वो अग्नि में भी हम जो है उसको डालने का प्रचलन है हमारे जो है इंडिया में या हिंदुस्तान में, इस तरह का प्रचलन है कि वो जो आपकी रोड़ी जो लोहड़ी का पर्व है उस दिन ये चीज़ें अग्नि में भी डाली जाती हैं। तो आप देखिए जो सूर्य मकर राशि में गया है तो यहाँ पर सूर्य जो है वो 3 नक्षत्रों को टच करने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण यहाँ पर होंगे, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण को करेगा। तो कुल मिला के सूर्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है, ये सभी जो है वो सूर्य के मित्र हैं। तो यहाँ पर इन नक्षत्रों की जो जिनका जन्म हुआ है या उनका चंद्रमा इन नक्षत्रों में है या उनको दशा इन ग्रहों की चल रही है, तो सूर्य काल पे बहुत अच्छा प्रभाव, ये गोचर जो होगा बहुत लाभ दे करके जाएगा, या आप कह सकते हैं कि उनको किसी न किसी रूप में मालामाल कर करके जाएगा। और कुछ 6 राशियां हैं जिनको जो है वो सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम उन राशियों की बात करने में क्रम में जो है मेष लग्न की बात करते हैं। जो मेष लग्न में जो जन्मे जातक हैं तो उनके दशम भाव में सूर्य का जो है वो ये गोचर होने वाला है मकर राशि में। और यहाँ पर दशम भाव में जाने पर सूर्य जो है वो उनको उच्च पद प्रतिष्ठा दिला रहा है, लाभ की स्थिति यहाँ दिलाता हुआ नजर आ रहा है आपको, मान सम्मान यहाँ पर सूर्य जो है वो इस महीने जो है जब तक यहाँ रहेगा उत्तरायण अवस्था में बहुत उत्तम लाभ आपको मान सम्मान देकर के जाएगा। और जो आपकी उच्च महत्वाकांक्षा होती है सरकार के प्रति या सरकार के साथ काम करने का या कोई जॉब मिलने का, तो उसमें पूर्ण रूप से यहाँ पर आपकी ये सूर्य मदद करता हुआ नजर आएगा। और ख़ास तौर पर जब सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा तो आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे जीवन में मिलने वाली है और कुछ नया करने का या नया सृजन करने का मौका सूर्य आपको देता हुआ नजर आ रहा है। और कोई पुराना कार्य जो होगा वो यहाँ पर आपका ख़त्म होगा और नया कार्य आपका शुरू होगा मेष लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न की बात करते हैं, जो अगला लग्न है जो जिसके लिए लकी रहने वाला है वो कर्क लग्न है। चंद्रमा की राशि है, सूर्य का मित्र है, तो यहाँ पर कर्क लग्न वालों को व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, इसमें सूर्य जो है आपको हर तरह से लाभ की स्थितियाँ दिलाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिएगा इस गोचर में आपको कोई नया पार्टनर या मिलने वाला है या आप नए पार्टनर के सहयोग के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुटुंब परिवार का धन आपको जो है वो ये सूर्य दिलाता हुआ नजर आ रहा है, नया मित्र यहाँ आपका कोई बनता हुआ नजर आ रहा है, या आपके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके सहयोग से जो है आप धन का संचय करते हुए या कुटुंब में कोई खुशखबरी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। और इस समय हो सकता है कि घर में जो दंपति संतान प्राप्ति में प्रयासरत है उनको संतान का सुख भी यहाँ पर समाचार शुभ मिल सकता है। अगले लगन है सिंह लगन। सिंह लगन सूर्य की राशि है,
तो सूर्य शनि का मिलन जो है, शत्रु आपके जो शत्रु हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में होगा यहाँ पर, तो आपके जो शत्रु हैं, कोर्ट कचहरी है या मुकदमा है, उन सभी पर आपको विजय यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है वो सिंह लगन वालों को सूर्य का ही गोचर दिलाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिएगा जो आपके मामा हैं उनकी वाणी में थोड़ा क्रोध इस समय आपको देखने को मिलेगा, या जो आपकी बड़ी भाभी है या आपका जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी है उसकी वाणी में भी गुस्सा इस समय आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो कहीं ना कहीं आपका कोई लोन है, लोन के लिए अप्लाई कर रखा था सिंह लगन वालों को, तो लोन पास हो जाएगा। वहीं सिक्स हाउस में शनि की राशि है और शनि की राशि में सूर्य गया है, तो आपको आपके मित्र हो गए, नौकर चाकर है, उनका साथ मिलेगा, वो आपकी पूर्ण से मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी सरकारी व्यक्ति के सहयोग से आपके प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे सिंह लगन वालों के लिए। अगला लगन है धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए ये बहुत उत्तम गोचर रहने वाला है। भाग्य का सहयोग से आपको धन की, जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि भाग्य के सहयोग से धन की तिजोरी आपकी खुल, उसका दरवाजा जो है वो स्वयं ही खुलता हुआ नजर आ रहा है। पैतृक धन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपके कुटुंब में नया कोई कार्य शुरू यहाँ पे होगा, कुछ नया कार्य आपके घर परिवार में यहाँ दिखाई दे रहा होता हुआ, संबंध वहाँ पे कुटुंब परिवार में आपके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय जो है खास तौर पर आपको आपके पिता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुभ कार्यों पर आपका खर्चा इस समय बढ़ेगा और खास तौर पर देखा जाए तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से पूर्ण रूप से यहाँ पे लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा धनु लगन वालों को। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों को आप देखिएगा आपके तृतीय भाव में पराक्रम के स्थान पर सूर्य का ये गोचर है, और सूर्य की यहाँ पर होने की वजह से आप अपने पराक्रम के दम पर, अपने इनिशिएटिव या अपने धैर्य के दम पर हर कार्य को सफल करते हुए नजर आए हैं। और इस समय खास तौर पर आपको आपके भाई बहनों का सहयोग यहाँ मिलेगा, परंतु आपके ससुर जी हैं जो उसके उनके स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंताएं आपको यहाँ सता सकती हैं। और इस समय किसी बड़े कार्य में, बड़े ऑफिस में बड़ा कार्य या बड़ी जिम्मेवारी आपको सूर्य का गोचर दिला करके जाएगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपका बॉस यहाँ पर दे सकता है, कोई रिवॉर्ड हो गया या सम्मान हो गया, इस चीज़ की प्राप्ति वृश्चिक लग्न को इस महीने सूर्य के गोचर में होती हुई नजर आ रही है। या आपको हम इसको मोटे तौर पर समझें कि तो सूर्य का ये गोचर समाज में आपको नया यश कीर्ति देता हो जाएगा। सूर्य का ये गोचर आपकी यश और कीर्ति जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है। मीन लगन की बात करते हैं, इन लगन वालों को भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा लाभ देगा। सूर्य एकादश में है आपके जीवन में बहुत, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मीन लगन वालों के शत्रु बहुत बड़े होते हैं, बहुत वेल्दी शत्रु या बहुत अमीर शत्रु या बहुत पावरफुल शत्रुओं से आपका सामना होता है। और वर्तमान में जो एनिमीज हैं आप उन पर जो है पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पराजित करते हुए आप नजर आ रहे हैं। और उस पराजय की वजह से फिर आपका समाज में मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे, सरकार से इस समय आपको कोई लाभ यहाँ दिलाएगा सूर्य के गोचर, और जीवन साथी का आपको भी पूर्ण रूप से यहाँ पे सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य की ये गोचर जो है हो सकता है मीन लगन वालों को विवाह के चांसेस भी बनाता हुआ नजर आ रहा है, और कोई नया पार्टनर भी इस समय जो है वो सूर्य का गोचर आपको बनाता हुआ नजर आएगा मीन लगन वालों को। तो ये था कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर, और जो 6 लगन थे जिन पर खास तौर पर उसका शुभ प्रभाव रहेगा उसके विषय में आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।